हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। सामने अभी हमारे खड़ी है भारत गौरव काशी दर्शन एक्सप्रेस। इंडियन रेलवेज में IRCTC द्वारा बहुत सारी भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाती हैं दोस्तों, जो कि बेसिकली एक तरह की इंडियन रेलवेज और IRCTC की इनिशिएटिव है एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन प्रोवाइड करना उन सारे पैसेंजर्स को जो अलग अलग स्थानों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हो, उन सारों को देखने के लिए ये भारत गौरव की ट्रेनें चलाई जाती हैं। आप मेरे सामने एक भारत गौरव ट्रेन देख सकते हैं। मैं बता दूं, ये ट्रेन आपकी आ रही है कर्नाटका से और अभी पूरा नॉर्थ का बनारस अयोध्या गया होते हुए वापस से कर्नाटका को जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ट्रेन है कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन एक्सप्रेस और बहुत सुंदर सुंदर दोस्तों हर कोच के अंदर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। सारी पेंटिंग्स यहाँ पे साउथ की ही पेंटिंग्स लगी हुई हैं दोस्तों। मैं बता दूं, टोटल इस ट्रेन के अंदर आपको 11 थर्ड AC के कोच मिलेंगे, एक पेंट्री कार है, टोटल यहाँ पे दो जनरेटर कार भी पड़ेंगे, तो 14 कोच की ये ट्रेन हो जाती है टोटल। और अभी शायद 12 बजे दोस्तों दोपहर में ये ट्रेन आई है जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं। और इसमें काम करने वाले लोग दोस्तों अभी बोर्ड करके सारे जो वाटर बॉटल्स हैं जो कि यात्रियों को देने हैं, जो पैसेंजर्स इसके अंदर वापस अब गया की तरफ हेड करेंगे, उनके लिए दोस्तों अब सारी फैसिलिटीज चल रही है। अब शायद अंदर कोच की साफ सफाई होगी ताकि पैसेंजर्स जो हैं, जो इनके यात्री जो टूरिस्ट लोग आए हैं इस ट्रेन से, वो वापस अब गया की तरफ हेड कर सके। तो दोस्तों दोपहर में 12 बजे आई है और अभी शायद रात को 11 बजे वापस निकल जाएगी गया की तरफ और गया पे दोस्तों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा के वहाँ से वापस निकल जाएगी दोस्तों कर्नाटका की ओर। तो एक बहुत अच्छा साधन है इंडियन रेलवेज के थ्रू इन ट्रेनों को देखना दोस्तों। इस ट्रेन के अंदर कोई आपको सेकेंड AC या स्लीपर का कोच नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ थर्ड AC के ही कोच लगे हैं इस ट्रेन के अंदर। बहुत सुंदर सुंदर दोस्तों पेंटिंग है। एक सबसे खास बात मैं आपको दिखाऊं कि इसके हर कोच में कोई ना कोई भगवान या मंदिर की यहाँ पे बातें की गई है। जैसे आप श्री कोटिलिंगेश्वर मंदिर कोटेश्वर वातानुकूलित शयनयान दे सकते हैं, तो हर कोच पे दोस्तों एक अच्छे अद्भुत मंदिर के नाम लिखे गए हैं जो साउथ के मंदिर होते हैं दोस्तों। तो पहली बार इन सारे साउथ के मंदिर का नाम देखकर मैं भी पहली बार समझ रहा हूँ दोस्तों। तो आप सारे इन फोटोज को भी देख के समझ सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हैं। आइए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडियन रेलवेज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपने देश के बहुत से अलग अलग राज्य के लोगों को अपने देश के दूसरे राज्य को घुमाना, ताकि वो समझ सके, कल्चर को समझ सके और एक प्रॉपर पैकेज के साथ लग्जरी में ट्रैवल कर सके। बेसिकली उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो अभी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, एकदम लगातार ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो जो बड़े नागरिक है, जो वरिष्ठ नागरिक है, वो डेफिनेटली इन ट्रेन्स को ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और हर दोस्तों यहाँ पे कोच पे आपको अलग अलग फोटो देखने को मिलेंगी जो कि हर कर्नाटका या साउथ के एक एक अद्भुत मंदिरों को दर्शा रहा है यहाँ पे। जैसे एक मंदिर यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है श्री चामुंडेश्वर मंदिर, मैसूर में है दोस्तों ये। तो हर कोच पे आपको एक मंदिर और कहाँ पे वो स्थापित है वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। दोस्तों इंडियन रेलवेज का एक इनिशिएटिव थोड़ा लग्जरी दोस्तों आप एक्सपेंसिव है, थोड़ा अफोर्ड करने में मुश्किल है, पर अगर दोस्तों आपको एक अच्छा कंफर्ट और लग्जरी में इंडिया घूमना हो, स्पेशली जो साउथ के लोगों को नॉर्थ का प्लेसेस घूमना है, तो वो इन ट्रेनों को ज़रूर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लगभग मुझे लगता है अगर इसका किराया होगा दोस्तों वहीं कहीं आपका 90 से 1 लाख रुपये तक भी जा सकता है। अब आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग पैकेज ढेरों निकलते हैं, तो आप किसी पैकेज को ऑप्ट कर सकते हैं और वो किसी दिन भी हो सकता है, शायद दोस्तों अगले महीने भी हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर, जैसे इन लोग के क्वार्टरली दोस्तों कुछ ना कुछ IRCTC पैकेजेस निकालता रहता है अपने देश को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने के लिए।
चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। आपको एक प्यारी सी भारत गौरव ट्रेन दिखानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में कभी आपने भारत गौरव ट्रेन में ट्रैवल किया है तो वो भी बताइएगा। और कौन लोग इसे साउथ से देख रहे हैं या कर्नाटका से स्पेशली देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपके क्या राय है भारत गौरव ट्रेन के लिए? क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल है? क्या ये बहुत अच्छी लग्जरी का अल्टरनेटिव हो सकता है? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।